महाराज जी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि माननीय राज्य मंत्री हैं सतीश चंद शर्मा जी, वो शिवलिंग के बगल में हाथ धुल रहे हैं, आप उनको हाथ धुला रहे हैं। क्या सनातन धर्म में ऐसा होता है या ऐसा करना जायज है? अब अगर आप पूजन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने भगवान को चंदन लगाया, शहद चढ़ाया, दही चढ़ाया, दूध चढ़ाया, तो आपके हाथ में जो सामग्री लग गई वो निर्मायल तुल देते हैं, तो जिस जगह पे निर्मायल का स्थान है उसी जगह पे उसे धुला जाएगा। अगर उसको आप कहीं अलग धुलते हो तो ये होता है जो निर्मायल नांग जाता है उसका सारा पूर्ण क्षीण हो जाता है, तो अलग तो उसे धुला नहीं जाता है। अब आप बड़े बड़े स्थान हैं जैसे महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर है, या 12 ज्योतिर्लिंग है, या अपना लोहेश्वर महादेव है, यहाँ पर बैठ के देखिए। जब आप बैठ के देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये आचमन पुनराचमन हस्त प्रक्षालन जिस जगह पे पूजा किया जाता है वहीं पे किया जाता है। उसके लिए आदमी उठ के अलग नहीं जाएगा, क्योंकि पूजा आधी पूजा छोड़ के थोड़ी चला जाएगा। और जो भी ये कह रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, वो सनातन विरोधी हैं और कहीं ना कहीं भाजपा भी विरोधी है। आने वाले इलेक्शन का वो फायदा लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप जिस जगह पे संकल्पित पूजा करेंगे, पूजन के बाद में आचमन वहीं करेंगे, पुनराचमन वहीं करेंगे, हस्त प्रक्षालन भी वहीं करेंगे, क्योंकि जो भी सामग्री पूजन की हाथ में लग जाती है वो निर्माल्य हो जाती है और निर्माल्य को रास्ते में ही डाला जाता है, गंदी जगह पे नहीं छोड़ा जाता है, उसको उसी निर्माल्य में मिला दिया जाता है। आपने देखा होगा शिवलिंग पे नहीं धुल रहे हैं, जो निर्माल की जगह है उस जगह पे उस चंदन को धुल रहे हैं जो भगवान को चढ़ा था, ना कि कोई गंदी चीज में धुल रहे हैं वहां पे। सनातन विरोधी लोगों को क्या कहा जाए जो छोटे छोटे मुद्दे उठाते हैं। अरे जहां भी पूजन होगा वहां आचमन पुनराचमन हस्त प्रक्षालन जरूर होगा।